जिन आंखों ने इंसानी पीड़ा को देखा है, स्वयं दर्द को सहा है। काल तपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, लेके चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। प्रेम, करुणा, सामाजिक चेतना और जिंदगी के फलसफे का समावेश है गोपाल दास नीरज। 1925 में इटावा के पास एक गांव पुरावली में गोपाल दास का जन्म हुआ। उसके बाद बचपन इटावा के निकट बसे गांव इकदिल में गुजरा। इसी छोटे से घर में नीरज अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहे। गोपाल दास के पिता एक मवेशी खाने में बतौर इंचार्ज मात्र 8 रुपए मासिक वेतन पर काम करते थे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंदे मोर। एक दिन नन्हे गोपाल पर अपनी माता का प्रभाव ही अधिक था, जिसने उसे पीड़ा सहने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। माँ द्वारा गाए भजनों ने नन्हे गोपाल के अंदर छुपे कवि को जन्म दिया और अपने अंदर बसे मर्म को जनमानस तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत छोटी उम्र में गोपाल के सर से पिता का साया उठ गया और इस तरह से आरंभ हुआ एक संघर्षमय जीवन का। नीरज और मेरे माँ सगी माँ बुआ थे। नीरज के फादर बीमार पड़े, मैं जो 10 वर्ष का था, खबर आई कि बहुत बीमार है, तो मैं और मेरी माँ किताबें पहुँचे क्योंकि बहुत हालत खराब थी। लिहाजा हमको मुझे सपने में मामा मिले और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद गोपाल को अपने पास ले जाना। मैं तुरंत उठकर भागा और देखा कि मेरे मामा का देहांत हो चुका है और उसके बड़े भाई छल्लू को एक ले आए और तब से बराबर मेरे पास रहे। अपने फूफा के इसी घर में रहकर गोपाल ने एटा से हाई स्कूल पास किया। थर्ड टू टेंथ में एटा ही पढ़ा, ऊपर कमरे में रहते पढ़ते थे, हाई स्कूल एटा से किया। उन्होंने हमेशा अपनी क्लास में गोपाल प्रथम आता रहा, बराबर फर्स्ट आता रहा, बराबर हम उसको देखते रहे। जीवन की मुश्किलों ने, माँ और भाइयों के वियोग ने गोपाल के अंदर बसे कवि नीरज को जन्म दिया। मेरा जीवन संघर्षों की एक लंबी कहानी है। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण मेरा संघर्ष काल आरंभ होता है। 1942 में मुझे दिल्ली में एक टाइपिस्ट की नौकरी मिली थी। वहाँ मुझे 67 रुपये महीने मिलते थे, उसमें 30 रुपये माहवार मैं अपनी माँ को भेज देता था और जो 37 रुपये मुझे बचते थे उसमें से सिर्फ एक वक्त का खाना भुगतना पड़ता था। लेकिन संघर्ष मनुष्य को जीवन से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे मैं कभी उससे हारा नहीं। हारा इसलिए नहीं कि बचपन में ही माँ का बहुत कुछ विषय मुझे मिली थी ऐसी, जिससे कि जीवन को मैंने अपना तैयार किया लड़ने के लिए। मैंने माँ के संबंध में दोहा लिखा था, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरे पास जो कुछ आज है वो मेरी माँ का दिया हुआ है, उनकी ममता, उनका स्नेह, उनका आशीष और साथ ही साथ बचपन में दिया उनको उपदेश, उनकी कहानियाँ, उनकी आध्यात्मिकता सब मेरे पास आज भी सुरक्षित है। तो मैंने लिखा था, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गाँव, चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं न छाऊं। बंगाल के
अकाल के समय जो मैंने आदमी की दुर्दशा देखी उससे मेरा मन दहल गया। कुछ तो सड़ रहे थे, मैंने देखे आदमी हड्डियों के ढांचे खाने की जूठन पर। तब मैंने कविता लिखी थी, मैं विद्रोही हूँ जग मैं विद्रोह कराने आया हूँ, क्रांति क्रांति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ। ब्रिटिश राज की दमनकारी नीतियों और समाज में व्याप्त पीड़ा ने नीरज को संवेदनशील बना दिया, आम जनता की पीड़ा को समझने का अवसर दिया। दिल्ली से देहरादून गए, जहां उस समय के डिप्टी कलेक्टर रशीद अहमद के पास कुछ दिन तक रहे। देहरादून से कानपुर, जहां डीएवी कॉलेज में पढ़ाई जारी रखते हुए मात्र 50 रुपए मासिक में टाइपिस्ट की नौकरी की। '53 में हिंदी में प्रथम श्रेणी में एमए किया। अब एक बार फिर शुरू हुई नौकरी की तलाश। दो साल तक पूरे देश में भ्रमण किया और बहुत से कवि सम्मेलनों में भाग लिया। नीरज की पहचान अब हिंदी जगत के आधुनिक कवियों में होने लगी। सबसे आगे रहे सदा, सबके पीछे रह कर भी हम सबसे आगे रहे सदा। बड़े बड़े आघात समय के बड़े मजे से सहे सदा, बड़े बड़े आघात समय के। 1955 में मेरठ कॉलेज में बतौर हिंदी लेक्चरर नौकरी की। उल्टी अपनी चाल रही दुनिया की चालों से बिल्कुल, उल्टी अपनी चाल रही जो सबका। लेकिन कॉलेज के अधिकारियों द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों की वजह से नीरज ने त्याग पत्र दे दिया। हालांकि बाद में सारे आरोप निराधार साबित हुए। हमारा कोई नहीं ठिकाना रे। नीरज मेरठ छोड़कर हमेशा के लिए अलीगढ़ आ गए। जहां धर्म समाज कॉलेज में उनकी नियुक्ति हिंदी प्रोफेसर के पद पर हुई। यहां नीरज की कविता नए आयाम छूने लगी। उनकी कविता पत्रिकाओं, कवि सम्मेलनों और रेडियो के माध्यम से देश विदेशों में बसे कविता प्रेमियों के दिलों में घर कर गई। स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। स्वप्न जर्रे फूल से मीत चुभे शूल से लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और गम खड़ी खड़ी बहार देखती रही, कारवां गुजर गया गुबार देखती रही। स्वप्न जर्रे फूल से नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, हाथ पात झर गए कि शाख शाख जल गई। चाह तो निकल सके न पर उम्र निकल गई, गीत अश्क बन चले छंद हो बन चले, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन चले। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। स्वप्न झरने फूल से फिल्म में मेरा प्रवेश गायक हुआ। 1960 में नीरज गीत गुंजन के नाम से बम्बई में आयोजन किया गया था, उसे मैंने काव्य पाठ किया था। एकल काव्य पाठ था वो 2-2.5 घंटे का। काव्य पाठ सुनने के बाद मुझे श्री रमेश चंद्रा, जो कि बरसात की रात पहले बना चुके थे, उसके गीत हिट हो चुके थे, साहब द्वारा लिखे हुए गीत थे, उन्होंने मुझसे कहा, निवेदन किया कि आप मेरी नई पिक्चर के लिए गीत लिखिए। तो मैंने उनसे कहा कि गीत तो लिखने के लिए नहीं आ सकता, आप मेरी कविता ले सकते हो। ये बात उन्होंने स्वीकार कर ली। उस समय मेरा गीत कारवां गुजर गया गुबार देखते रहो बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने उसी को बेस करके कहानी लिखी, कहानी बनाई, और मेरी कविता जो लोकप्रिय थी उनको उन्होंने गीत के रूप में ढाल करके प्रस्तुत किया। उस पिक्चर का नाम था नई उम्र की नई फसल।
सौभाग्य से उस पिक्चर के सारे गीत हिट हो गए, सारे गीत हिट हो गए। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, आज की रात बड़ी शोक बड़ी नटखट है, प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा, सब गीत हिट हो गए। उसके उपरांत और भी पिक्चरों में मैंने काम किया, लिखा, गीत लिखे। देवान साहब ने मुझे बुलाया, राज कपूर साहब ने बुलाया, बहुत बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने बुलाया। शंकर जयकिशन के साथ मैंने काम किया, एस डी बर्मन के साथ काम किया, रोशन के साथ काम किया, इकबाल कुरैशी के साथ काम किया, मदन मोहन के साथ काम किया, जयदेव के साथ काम किया। मैंने लगभग 125 गीत फिल्म के लिखे और उसमें से 120 गीत हिट हुए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को खिलते हैं गुल यहाँ, खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। मेरी भाषा के संबंध में लोगों की शिकायत है कि ना वो हिंदी है ना उर्दू है, उनकी शिकायत सही है क्योंकि मैं उससे प्रेम की भाषा जानता हूँ, हिंदी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ। इसलिए मुझे लिखना पड़ा अपनी बानी प्रेम की बानी, घर समझे ना गली समझे, या ऐसे नंद लला समझे जे, या ऐसे ब्रज की लली समझे। हिंदी नहीं ये, उर्दू नहीं ये, है ये पिया की कसम, इसकी स्याही आँखों का पानी, दर्द के इसके कलम, लागे किसी को मिश्री से मीठी कोई नमक की डली समझे, अपनी बानी प्रेम की बानी। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। मुझे छोड़े हुए फिल्म को कम से कम 30 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो मेरे गीत रेडियो से सुन लीजिए, बीबीसी से सुन लीजिए और आपके टेलीविज़न से देख लीजिए, बहुत आज भी लोकप्रिय हैं। और मैं समझता हूँ कि मुझे कविता का जो लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो सौभाग्य है। आदमी एक दिन में कवि नहीं बनता, पिछले जन्म के जाने कितने पुण्य फल संचित होते तब आदमी कवि बनता है। इसलिए मुझे कहना पड़ा आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है कवि होना सौभाग्य। इतने बदनाम हुए। नीरज ने देश विदेशों में सैकड़ों कवि सम्मेलनों में भाग लिया, उन्हें काव्य से संबंधित हर सम्मान से नवाजा गया। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां। जाने क्या बात है नीरज के। हिंदी काव्य में नीरज के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। जिस समय बम्बई की फिल्म लगनी मैंने प्रवेश किया, उस समय फिल्म में लिखने वाले जो गीतकार थे वो सब साहित्यकार थे, स्थापित साहित्यकार थे, जैसे साहिर, कैफी, इंदिवर, शरेंद्र, हसरत, मजरूह, भरत व्यास, प्रदीप, ये सभी बड़े बड़े साहित्यकार थे।
इनके बीच में स्थान बनाना बहुत आसान बात नहीं थी, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं इनके बीच में स्थान बना सका। मैंने जो गीत देखे उसमें साहित्यिक गरिमा थी। फिल्म के गीतों को मैंने नई प्रकार की भाषा दी, गीतांजलि शब्द का प्रयोग किया। सांसों की सरगम सुधियों की वीणा सपनों की गीतांजलि थी। इतना मधुर इतना मधुर संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया। इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें सही कई बार। नीरज नैना जैसे शब्दों का प्रयोग किया, उद्गम जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ओ नीरज नैना आजरा आजरा, तेरी लाज का घूंघट खोल दूं खोल दूं, तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं, तेरे होठों में अमृत घोल दूं। नई नई शब्दावली यद्यपि समझना भी शायद होगा कि नहीं होगी, नई प्रकार के प्रयोग किए। शोखियों में घोला जाए फूलों का स्वभाव, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी सभा। इस प्रकार से नए नए प्रयोग किए और जनता ने उन प्रयोगों को सहज स्वीकार किया। शोकियों में खोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है, शोकियों में खोला जाए फूलों का शबाब। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि नीरज जी, फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त करने के बाद भी, सुपरहिट गीत लिखने के बाद भी, आप फिल्म वर्ल्ड को छोड़कर के क्यों चले आए? तो मैं उन्हें सिर्फ इतना बताता हूँ कि दो तीन कारण थे। पहला कारण तो ये था कि जिन पिक्चरों की मेरे गीत सुपरहिट हुए उनमें से अधिकांश फ्लॉप हो गए। जैसे मेरा नाम जोगा से बड़ी उम्मीद थी, उसका गीत ए भाई जरा देख के चलो सुपरहिट आज भी बजता है, लेकिन वो पिक्चर फ्लॉप हुई। राज कपूर को भी बड़ा दुख हुआ, उसका मुझे ही बड़ा दुख हुआ। ए भाई दरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई दरा देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। प्रेम पुजारी के सुपरहिट गीत थे, लेकिन वही पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि मैंने जिन संगीतकारों के साथ काम किया था, जिनके साथ मेरे गीत हिट हुए थे, वे लोग एक एक करके दुनिया से चले गए। जैसे रोशन जी, जिनके साथ कारवा गुजर गया हिट हुआ सुपरहिट हुआ था, वो दुनिया चले गए। शंकर जयकिशन में जयकिशन की मृत्यु हो गई, वो ग्रुप भी टूट गया। एस डी बर्मन साहब वो बीमार रहने लगे, जयदेवी जी चले चलते बने। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने सोचा भगवान की इच्छा यही है कि जब मेरे सारे संगीतकार चले गए तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा, क्योंकि अब मैं उस स्थिति में तो नहीं हूँ कि मैं जाकर लोगों से कहता फिर मुझसे गीत लिखवाइए। क्योंकि आप अगर गीत लिखने के लिए खुद जाते हो किसी के पास तो आपकी इज्जत कुछ होती नहीं, आपकी प्राइस कम हो जाती है, ये सोच करके। और फिर दूसरी चीज़ हुई कि मैंने ये फ्लॉप हो गया, इसका मतलब कि ईश्वर नहीं चाहता मैं रहूँ। इसलिए पिक्चरें तो फ्लॉप हुई, गीत फ्लॉप नहीं हुए। लोग ये कहना शुरू कर दिया कि अगर गीत हिट कराना है पिक्चर फ्लॉप करानी, नीरज जी से गीत लिखवाओ। इस प्रकार से अंधविश्वास आई फिल्म वर्ल्ड में। तो ये सब विचार करके मैंने सोचा ईश्वर की इच्छा नहीं कर मैं रहूँ, इसलिए वापस चलाया। वापस ये चलाया कि अगर फिल्म से उखड़ा मैं तो कम से कम एस्टैब्लिश था कवि के रूप में, मुझे कोई चिंता थी नहीं, इसलिए वापस चलाया और उसका कोई कारण नहीं। हम तो मुसाफिर हैं कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दाव हमने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही। मेरी कविता पर चार पांच लोगों का विशेष रूप से प्रभाव है। पहला तो बच्चन जी की निशाना पकड़ मुझे समझ में आई कि कविता क्या चीज़ होती है। फिर बाद में जब मैंने अध्ययन किया तो टैगोर का उदात्तीकरण मैंने लिया,
खलील जिब्रान की पीड़ा, खलील जिब्रान का धर्म के अंधानुकरण के संबंध में विरोध, धार्मिक आडम्बरों में विरोध, वो मैंने सीखा। तीसरी चीज वैष्णव दर्शन का रस सिद्धांत और कबीर का फक्कड़पन, इन चारों लोगों को मिला दिया जाए, टैगोर को, खलील जिब्रान को, कबीर को और वैष्णव दर्शन को, तो नीरज नाम का कभी पैदा हो जाता है। काल कपहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले, देख चले बारात कभी तो कभी बिना सामान चले। राम कृष्ण हरी, राम कृष्ण हरी। मैं त्रिमुखी पीड़ा कर कवि हूँ। चेतना के तीन स्तर हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों की पीड़ा मैंने भोगी है। बचपन में गरीबी के कारण पेट की भूख की पीड़ा भोगी, यौवन काल में प्रेम की असफलता के कारण मन की पीड़ा भोगी और माँ से भाइयों से बहुत दूर रहकर अकेलेपन की पीड़ा भोगी। उस अकेलेपन की पीड़ा ने मुझे आत्मोन्मुख बना दिया, जिसके कारण मेरी कविता में आध्यात्मिकता भी समावेश हो गया है। इन तीनों प्रकार की पीड़ाओं ने मुझे दुख के प्रसजित किया और यहाँ पर मैं बुद्ध से प्रभावित हुआ। मेरी मान्यता यह, जैसे बुद्ध ने कहा था, संसार में कोई भी सुखी नहीं, जो झोपड़ी में है वो भी दुखी है, जो महल में है वो भी दुखी है, क्योंकि जो झोपड़ी में है उसे गरीबी का दुख साल रहा है, जो महल में है उसे डर लगा हुआ कि मेरा महल चल सकता है। संसार में कोई दुख के अलावा और कोई सत्य नहीं है दूसरा, ये मैं मानता हूँ। और इस दुख की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि ये जो आदमी दुख भोग लेता है वो तो दूसरे दुखी के दुख में सम्मिलित होने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तुमने दुख दिया आभारी हूँ, हल्के से हो गया भारी हूँ। दुख हमेशा दूसरे के दुख में दुखी होने की सहानुभूति प्रदान करता है, आदमी को शक्ति प्रदान करता है। ये दुख का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने तो चाहा बहुत कि अपने घर में रहूं अकेला, पर सुख ने दरवाजा बंद किया, दुख ने दरवाजा खोल दिया। इस दुख के साथ साथ जो दूसरा तत्व मेरी करुणा में उभर कर आया है वह है प्रेम, और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है वह है करुणा। करुणा ही मनुष्य का देवी भाव है और ये करुणा मेरी सर्वत्र कविताओं में व्याप्त है। करुणा, दुख और प्रेम, यही मेरी कविता के तीन केंद्र बिंदु हैं। नीरज की अगली पीढ़ी में भले ही कोई कवि न हो, मगर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कई नौजवान कवि उनके मार्गदर्शन में कविता लिख रहे हैं। आज के माहौल पर एक चार पंक्तियां हैं। नेताओं ने गांधी की कसम तक बेची, कवियों ने निराला की कलम तक बेची, मत पूछ कि इस दौर में क्या क्या न बिका, इंसानों ने आंखों की शर्म तक बेची। बसा है कोई सितारा तुम्हारे ध्यान में क्या, तलाश करते हो घंटों तुम आसमान में क्या, कहाँ चले हो तुम इतनी उदासियां लेकर, इन्हें सजाओगे घर जाके फूलदान में क्या। मेरा देश स्वतंत्र है कैसे कह दूं आज, चेहरे मेरे देश के करें विदेशी राज। आज के उस पर, और आज का जो गणतंत्र है उस पर है चार पंक्तियां। अद्भुत इस गणतंत्र के ही अद्भुत हैं षड्यंत्र, अद्भुत इस गणतंत्र के अद्भुत हैं षड्यंत्र, संत पड़े हैं जेल में डाकू फिरे स्वतंत्र। राजनीति कैसी आज की, राजनीति के खेल ये समझ सका है कौन, राजनीति के खेल ये समझ सका है कौन, बहरों को भी बट रहे अब मोबाइल फोन। आज हिंदी कविता दो खेमों में बटी हुई है, एक है छांदसिक कविता और एक है छांदसिक कविता। कुछ लोग वो हैं जो कि छंद को छोड़ करके लिख रहे हैं तो छप भी रहे हैं, लेकिन उनके कारण कविता हिंदी की अलोकप्रिय हो रही है, जनता को पसंद नहीं आ रही, वो समाज में प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही है। और एक दूसरे छांदसिक कवि जो छंद में कविता लिखते हैं, छंद में कविता लिखने वाले बहुत से लोग कभी मंच पर पहुँच गए हैं। मंच पर पहुँचने से भीड़ में कविता पढ़ी जाती है, उसमें उसका जो शिल्प है वो सौंदर्य नष्ट होता चला जा रहा है, लेकिन उसकी कथ में बहुत कुछ, वस्तु में बहुत कुछ विकास हो रहा है। लेकिन भविष्य कविता का सिर्फ छंद में ही है, क्योंकि इतना कुछ लिखा जा रहा है कि आदमी सब कुछ पढ़ नहीं पाएगा। भविष्य में वही कवि जीवित रहेगा जो किसी के होठ पर बैठ जाएगा।
अपनी पत्नी के देहांत के बाद नीरज भले अलीगढ़ में एक खामोश और एकांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बैठा कवि हमेशा की तरह आज भी सजीव और व्याकुल है। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, जिंदगी के इस तीसरे घंटे में नीरज को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बस दिल में कसक है कुछ और कहने की। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि कर्ता का भविष्य क्या है। मैं मानता हूँ कि यद्यपि आज ये विज्ञान का युग है, विज्ञान और राजनीति प्रधान हो गई है और कविता विरल हो गई है, ये कविता कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये कविता हृदय का और आत्मा का भोजन है। राजनीति और विज्ञान हमें भौतिक समृद्धि तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का सौंदर्य और हृदय की भूख को कविता ही शांत करती है। भविष्य में कविता निश्चित जीवित रहेगी, विरल होकर भरे जीवित रहे, किसी स्वरूप में रहे, तो हमेशा से मेरा तो कवियों के लिए नई पीढ़ी के लिए संदेश यही रहा है। अगर वो संदेश चाहते हैं तो आप इस बच्चे सुनिए। हम तो बस एक पेड़ हैं, उगे प्रेम के गांव, खुद तो जलते धूप में औरों को देखा। मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती, मेरे घर कोई खुशी आती तो कैसे आती। उम्र भर साथ रहा दर्द महाजन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह। नीरज जैसे कवि को अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए शायद एक जीवन पर्याप्त नहीं है। नीरज जिस तरह से स्वयं को कुदरत के करीब मानते हैं, उसी तरह उनकी कविता में भी फलसफा मिलता है, जीवन दर्शन मिलता है। जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, याद आएंगे प्रथम प्यार के चुम्बन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह, जिसमें इंसान के दिल की न हो धड़कन नीरज। शायरी तो है वो अखबार की कतरन की तरह, जब चले जाएंगे हम लौट के सावन की तरह।